अस्सलामुअलैकुम, आफाक फारूकी नेटवर्क के साथ आपके सामने हूँ। मुझे यकीनन पाकिस्तान है और दो बड़ी खबरें हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे, ज़िमन भी छोटी मोटी जो खबरें उन पर ही बात करेंगे। कि वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का माशी निज़ाम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो मुकम्मल दरिया बुर्द होने के काबिल है, नाकारा हो चुका है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और ये क़ुरबा फरवरी पर खड़ा है। इसके सारे फवाइद अशराफिया को दिए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और 27 दिसंबर को बरसी के मौके पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, मरहुमा की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी शाहू में एक बड़ा ड्रेमी खिताब किया है, एक ख्वाब दिखाया इलेक्शन जीतने के लिए। जैसा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि इन ख्वाबों की एक्सपायरी डेट जो है 8 फरवरी है, शाम को कौन किसका दोस्त, कौन किसका यार, एक दूसरे को कोई जाने भी है कि ना, उस पर बात करेंगे। फिर वो तो आपने सुन लिया होगा कि जी इंस्पेक्टर ने मारा 2 बार के वजीर खजाना को, वजीर खारजा को, और 5 बार के MLA को, शाह महमूद कुरैशी को घसीट कर ले गए, और यूथ के बड़े तड़प रहे हैं, इस पर बात करेंगे। ये 3 मेरे पास अहम खबरें हैं। और ज़िमन जो इससे मुतालिका खबरें हैं महंगाई के हवाले से, उस पर बात करेंगे कि लूट मार कैसी है। देखिए, आसिफ जरदारी ने, मैंने लिख के रखा है कि जो पहले उन्होंने कहा है कि असल मसला इस्लामाबाद की सोच है, उनकी आंखें देखती हैं न समझती हैं न जागती हैं और ना ही सोचती हैं, और सियासतदानों को सब नज़र आता है। ये डायरेक्ट इस्लामाबाद को कहा है, डायरेक्ट इस्लामाबाद में इस्टेब्लिशमेंट को कहा है, ISI को कहा है, GHQ को कहा है, MI को कहा है, कि इनका बड़ा नैरो विजन है, ये एक ही लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं और मुल्क को टका टोकरी कर दिया है इन्होंने। और सियासतदान सब जानते हैं पाकिस्तान गरीब नहीं है, इस्लामाबाद गरीब है, मतलब जहनी तौर पे मजदूर है, गरीब है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 75 साल से एक ऐसे मुल्क को जिसमें ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें, वसाइल, मौसम, जफाकश, मेहनत कश, लेबर सब मौजूद है, मगर कब्जे की ख्वाहिश ने, हिर्स व हवस, लालच, और मैं ना मानूं, इस मुल्क को ख़त्म कर दिया। आधा अपनी मर्जी से पहले तोड़ा, और जो अब मौजूद सूरत हाल है, बल्कि अब तो यकीन से कहने को दिल चाहता है कि अभी भी शायद कहीं फैसले हो चुके हैं, वरना ये छीना झपटी, लूट मार, झूठ, मक्कारी, अय्यारी और इंतहाई घटिया उरिया नंगी अय्यारी जो हर आदमी पकड़ लेता है। सियासतदान बराबर के शरीक है, मगर हमेशा रूट कॉज को एड्रेस किया जाता है, उस पर पहले गुफ्तगू होती है कि ये खेल कहाँ से शुरू हुआ। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि बेनज़ीर भुट्टो ने मुझसे कहा था कि करप्शन पर मैंने सवाल किया कि 88 की अगर हुकूमत ना लेती आप, करप्शन ना करती, तो दुनिया बदल सकती थी, पाकिस्तान बदल सकता था, हालात बदल सकते थे। तो उन्होंने, मैं जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, मगर वो कहते हैं ना, मौलाना कौशल न्याजी ने कभी कहा था कि ताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते, इंसान है, टूट जाते हैं। हम जैसे लोग सिर्फ आइडियलिज्म की बात करते हैं, परफेक्शन के करीब रहने के लिए दबाव डालते हैं, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती अल्लाह की ज़ात के अलावा। तो बीबी ने कहा था कि हम क्या करते, हमारा कारकुन अरसे दराज से जेल में था, मायूस था, महरूमी का शिकार था, फांसी घाटों में था, कोड़े खा चुका था, भूख से मर रहा था, और नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर खजाने के मुंह खोल दिए थे, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था।
फिर पीपल्स पार्टी ने भी आर्ट में का दर्जा हासिल किया करप्शन में, और इतना किया कि कल ही इस तकरीर के फौरन बाद सखर दिखाया, पहली बार इलेक्शन के मौके पर मीडिया को होश आया है कि पूरा शहर दिखाया जाए वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, और मुख्तलिफ शहर दिखाए जा रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। तो मेरा अपना आबाई शहर है, 10 लाख की आबादी का शहर, उस पर भी बात करता हूँ। फिर बिलावल ने ख्वाब की पोटली खोली और कहा कि सेहत कार्ड भी मिलेगा, मुफ्त तालीम होगी, मुफ्त सेहत होगी, और 5 साल में तनख्वाह दुगनी कर दी जाएगी। 50 लाख घरों के जवाब में खान साहब के 30 लाख घर सैलाबदगान को, और साथ में 300 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी, किसान कार्ड भी होगा, यूथ कार्ड भी होगा, और यूथ सेंटर्स भी खुलेंगे। मतलब पूरी एक थाल सजाई उन्होंने ख्वाबों की, रंग बिरंगे ख्वाबों की, नीले उदे पीले हरे लाल सब सारे ख्वाब रखे हुए थे और खूब बांटे कि देना किसने है और कहाँ से देंगे, कि नंगी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या, वहाँ बचा क्या है, और पहले क्या दिया है, रोज़ अरबों रुपए के इश्तहार अभी सबका हुकूमत में चले, जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी अरबों रुपए के, मरकजी हुकूमत के भी, वफाकी हुकूमत के भी, और पंजाब की अपनी हुकूमत के भी, इत्तेहादी हुकूमतों ने अपने अपने इलाकों में अपने अपने पहाड़ों में इश्तहार चलाए अरबों रुपए के, पीपल्स पार्टी ने भी। उस सखर को कल 1 घंटे दिखाया गया, कोई एक शख्स नहीं था जिसने कहा हो कि यहाँ बिजली है, पानी है, गैस है, सड़क है, रोजगार है, अमन है। अमन तो सबसे, पानी और अमन तो बुनियादी मसले बताए गए कि लोग घरों से निकलते हैं तो रास्ते में ही लूट लिए जाते हैं। मतलब कोई एक शख्स 1 घंटे के प्रोग्राम में कोई एक शख्स नहीं दिखाया गया जिसने ये कहा हो कि यहाँ कोई सहूलत है। और अक्सरियत ने कहा कि अब वोट का टाइम आ रहा है तो जगह जगह खुदाई हो रही है और मसाइल पैदा कर दिए गए हैं, सड़कें भी बन रही हैं, नाली नदी सब बह रहे हैं, और पिछले बारिश में सब बह गया था, उसके बाद दिखाने को इधर खड़ा खोद दिया, तस्वीर बना के भाग गए, उधर तो गड़ा खोद कर एक तस्वीर बना के भाग गए, किया किसी ने कुछ नहीं। और आपको याद होगा इन प्रोग्रामों में दर्जनों बार कहा कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने हड़प्पा मुजोडारो बना दिया, और जो इदारे बनाए भी हैं वो लूट मार करप्शन बदतियानती और विदाउट मेरिट खड़े हैं, कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका है। फिर वही बिलावल की बातें कि जी पुरानी सियासत, पुराने सियासतदान वो सब फारिग हो गए, नया दौर है, नौजवानों का दौर है, और एक जेल से वज़ीर आज़म बनने के लिए बाहर आना चाहता है, एक जेल से बचने के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहता है, और लाहौर के मुकद्दर में यही लिखा है कि वो 4थी बार भी वज़ीर आज़म। बस इन जिन बातों का कोई मफहूम नहीं था, ये सब एक जैसे हैं। वो वालदा कहती थी सोच से, कि ये सब सोच से हैं, उर्दू का मुहावरा है, और इसके एक ही मतलब ये है कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे ही लोग हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, और सबका अंदाता वही है जो सोचता नहीं है बकौल लाशुदारी के, जो समझता भी नहीं है, जो जानता भी नहीं है, जानना चाहता भी नहीं है, जिसकी आँखें भी बंद हैं, खुली हुई भी नहीं है, क्योंकि अगर उसने आँखें खोल ली तो वसाइल तकसीम करना पड़ जाएंगे ना, आवाम से शेयर करना पड़ जाएंगे, जो ये नहीं चाहते। तो सिंध के आवाम ने कल, तीसरा बड़ा शहर है सिंध का सखर, सबने कहा कि इस इलेक्शन से कोई रिजल्ट नहीं आना, किसी की हुकूमत भी आ जाए। कुछ ने तो ये भी कहा कि कोई तीसरी कुव्वत चौथी कुव्वत लाए, PPTI भी नहीं, मुस्लिम लीग भी नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं। लोग मायूसी के अथा अंधेरे में घर, और हर तरफ ऐसा ही है। अब मैं मुख्तसरन जिक्र करूंगा कि जगह जगह पूरे सोशल मीडिया पर कि बिजली के बिल में ऐसे ऐसे टैक्स शामिल है कि अल्लाह की पनाह, और फिर साथ में
तस्दीक करते हुए लोगों ने बताया कि हाँ ये दुरुस्त है कि जैसे पिछले 6 माह का बिल दे दिया गया है, पेड ऑफ है एवरीथिंग, फिर अचानक 2 माह के बाद बिल आएगा कि जी वो जो आपने पिछले 6 माह का बिल दिया था उसमें नए ड्यूज भी शामिल हो गए, नाउ यू हैव टू पे अगेन रेस्ट ऑफ द अमाउंट। ये दुनिया में मुमकिन है कहीं? अकेले में बैठकर सोचिएगा कि ये दुनिया में मुमकिन है कि जो पेड ऑफ बिल है उसकी अमाउंट निकाली जाए कि जी ये अमाउंट हमने बाद में तय किया, फैसला किया कि आपको पे करनी चाहिए, तब आप ये भी पे करेंगे। ये तो जंगल में भी मुमकिन नहीं हो सकता, रियासत तो बहुत दूर की बात है जहां एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जो जिसे सेटल्ड रियासत बताया जाता हो, जहां सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर पार्लियामेंट दिखाई जाती हो, जहां एक मुनज़्ज़िम फौज हो, जहां मैनेजमेंट बगैर बैठी हो, भाई पॉसिबल है? गरीब को लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, सॉरी, कोई उम्मीद है? ऐसे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान का माशी निज़ाम मुकम्मल खत्म हो चुका, नकारा हो चुका, और ये अशराफिया पर खड़ा वो माशी निज़ाम है जो सिर्फ एक अशराफिया को फवायद पहुंचाता है और आवाम को लूटता, नोचता, खसोड़ता। उसका मफहूम यह है कि यहाँ लोग रिफॉर्म के लिए तैयार तो नजर आते हैं मगर तजर्बा ये बताता है कि ऐसा होने नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों के मुकाबले में बहुत कहीं पीछे रह गया। यहाँ गुर्बत बढ़ रही है जो कभी कम हुई थी और तेजी से बढ़ रही है, और अगर सूरत हाल को के तकाजों को समझकर दुरुस्त सिमत में फौरी इकदाम ना उठाए गए तो वो कुछ होगा जिसका यहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सोचिए कि जो सियासी इंतशार है, तकसीम है, जो एक दूसरे इश्ताल है, नफरत है, मायूसी है, और एक बड़ी आवाम इस निज़ाम को मुकम्मल खोखला समझती है, जो दुरुस्त समझती है, आप समझते हैं कि वहाँ कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म आ सकते हैं, वहाँ पर कोई सेटलमेंट हो सकती है, वहाँ अपोजिशन हुकूमत साथ बैठ सकते हैं, जहाँ छीना झपटी हो रही हो, जहाँ लोगों के कागज छीने जा रहे हों, जहाँ लोगों को जेल के दरवाजे पे अभी वो छूटे भी ना हो उन्हें फिर पकड़ लिया जाता हो, क्योंकि वो भी यही करते रहे थे। शाह महमूद कुरैशी को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया ना, 12 नए मुकदमे और बन गए, क्योंकि इनके दौर में भी यही होता रहा ना। ये वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं होता है कि वो किसी गिरफ्तार शख्स के बारे में कहे कि मैं इसके एयर कंडीशन भी उतरवा लूंगा और इसके कमरे से पंखा भी गायब करवा दूंगा और इसे खाना भी नहीं दूंगा और इसे मौत की कोठरी में भेज दूंगा। तो आप जो बोते जाते हैं वो काटते जाते हैं। अगर हमदर्दी की भी जाए तो कैसे की जाए, किस बुनियाद पे की जाए, और क्या कैथारसिस कर लिए? कैथारसिस करने तो एक अलग बात है, तो क्या रिलाइज कर लिया गया है कि आइंदा आएंगे तो ऐसा नहीं होगा? मगर हालात ये बताते हैं कि वापस आए तो पहले से ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होगी। ऐसे में कोई गुंजाइश नज़र आती है कि इंतखाबात के नतीज हमें क्या दे सकते हैं, पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं, दुनिया में हमारा क्या वक़ार होगा जो सूरत हाल है? सोचें ज़रा, इस पर गौर करें। और जिस तरह की पार्लियामेंट लाने की कोशिश की जा रही है, अब तो नज़र आ रहा है ना कि जिस तरह से सिंध को दिखाया जा रहा है और MK मुत्तहदा लंदन को भी इजाज़त दी जा रही है, PTI को भी दी जा रही है, ये सारा खेल है। नज़र कहीं है कि 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी को थल्ले लगा देना है कि सिंध से भी सीटें कम करवा। पार्टी की हुकूमत सिंध में जो कारनामे अंजाम देती रही है वो अब छुपे हुए तो नहीं है, अब तो बहुत डिटेल्स के साथ और पूरे सच्चाइयों के साथ स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है। तो पिछले PTI का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो कि नुमन शेख की सीट पर 79,000 वोट लिए थे, 69,000 या 79,000 नुमान शेख ने पीपल्स पार्टी के, तो
तो जतोई ने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए थे पीटीआई के, जबकि बधाई कहा जाता था वहाँ कुछ नहीं है और अभी भी कोई नहीं जानता कि क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसले किए बैठी है। आखिरी दिन तक मुझे यकीन नहीं है कि इंतखाबात हो सकते हैं, और इंतखाबात के नतायज जो नज़र आ रहे हैं तो मुझे भी कहने दीजिए कि इस्लामाबाद को नज़र नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। अगर इंतखाबात हो रहे हैं, खास साहब की नाहली के हवाले से केस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर दिया है, और बज़ाहिर मुझे लगता है कि खास साहब के पेपर भी मंजूर हो जाएंगे। जहन में रखें, हे यू नेवर नो, वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं और जो क्यास बढ़ रहा है और इसके नतायज वो भी सामने नज़र आ रहे हैं कि इतना गंद मचा दो कि इंतखाबात मुलतवी किए बिना कोई चारा ना रहे। आखिर में चलते चलते कि शाह महमूद कुरैशी को मारा पीटा, मुक्के मारे और उनकी ज़मानत भी नहीं उन्हें दी, उन्हें अंदर कर दिया, जिस पर उठिए बड़े गर्म है। मगर वही एक दूसरे की माँ बहन एक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, करोड़ों चाहने वालों की पार्टी, करोड़ों बताते हैं ना कि दो तिहाई अक्सरियत ला सकते हैं। अभी रतीफ खोसा ने भी कहा है और बैरिस्टर सैफ ने भी, वो गौहर ने भी कहा है कि हम 2/3 मेजॉरिटी लाने की पोजिशन में है, करोड़ों वोटर है ना। गालियाँ देते रहे सोशल मीडिया में, निकले नहीं तुम, और तो ना तुम में हिम्मत है निकलने की, तुम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हो और अपने ही जैसे लोगों को एक दूसरे को नंगा करने के लिए तुम इस ज़मीन पर जन्मे हो। इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है, खाना पीना सोना हगना, दैट्स ऑल। और जब तक तुम्हारी जहनी हालत यह है कि तुम अपने ही जैसे लोगों के कपड़े उतारने में मसरूफ़ रहो, अपनी माँ बहनों को बेइज्जत करो और उनकी तौहीन करो, इस खत्ते में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी, ज़मीन पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। फैसला करने वाले ऐसी फैसला करते रहेंगे, ऐसी लूट मार होती रहेगी, ऐसे ही उनके बच्चे बाहर जाते रहेंगे, वो तुम्हारे दरमियान घूमते रहेंगे और फिर तो उन्हीं के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाते रहोगे। आज के लिए इतना होते, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़।